अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये डिस्कनेक्ट हो गया था नेट, तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, जिसके हमने एक प्रॉपर्टी स्टडी की है एंगुलर मोमेंटम। आज हम उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं एनर्जी से रिलेटेड। किसी भी रिजिड बॉडी की जो एंगुलर मोशन है या रोटेशनल मोशन है, उसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, आज ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। एग्जाम्पल हम वही लेंगे। Let us consider a rigid body made up of n pieces or n particles with masses m alpha. यानी किसी भी कोई m alpha basically किसी alpha particle को या alpha piece of a rigid body को represent कर रहा है। As mentioned figure 10.1 या figure पहले भी discuss कर चुके हैं। ये हमारे पास कोई भी इसमें mass m alpha दिया गया है। ये alpha just एक symbol है। यानी तमाम जो rigid body के masses हैं, उन तमाम जो pieces हैं, उनका masses हम same ले रहे हैं। जो वो क्या है, m है। इसमें अल्फा पार्टिकल का या अल्फा पीस का मास है एम अल्फा। वेयर द बॉडी, जो हमारे पास रिजिड बॉडी है, बॉडी इज ऑलमोस्ट एलिप्टिसाइड, यानी एलिप्टिकल बॉडी उसकी शेप है। द पोजीशन ऑफ एम अल्फा, ये पोजीशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एम अल्फा की जो पोजीशन है रिलेटिव टू ओरिजिन, ओरिजिन जो है रिजिड बॉडी से बाहर है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट हम ले रहे हैं। तो इस एम अल्फा पार्टिकल का या एम अल्फा पीस का जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसे हम आर अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, उसकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय आर कैपिटल आर। ये समार आर अल्फा एम अल्फा की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम अल्फा पीस की या पार्टिकल की या एलिमेंट की, और कैपिटल आर जो है ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। और इसके अलावा एक और पोजीशन वेक्टर है आर अल्फा प्राइम, ये बेसिकली मास एम अल्फा की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह अगर हम यहाँ पे वेक्टर एडिशन रूल यूज करें, जब पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, तो हमारे पास जो आर अल्फा वेक्टर सम है वो हमारे पास क्या होगा, आर अल्फा विल इक्वल टू कैपिटल आर प्लस आर अल्फा प्राइम। ये रिलेशन वन पहले डिस्कस किया हुआ, रिलेशन टेन पॉइंट फोर में। अब हम इसी को यूज करेंगे आगे, हम टोटल काइनेटिक एनर्जी जब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए बेसिक डेफिनेशन की जो रिलेशन वो यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी फॉर एन पार्टिकल्स, जो काइनेटिक एनर्जी फॉर एन पार्टिकल्स क्या होगा कि ऑल पार्टिकल्स जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी का सम होगा। क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे पास कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही होती है, तो उसके तमाम पार्टिकल्स एक ही एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रहे हैं, एक ही। उनकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वो डिफरेंट होती है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सबकी क्या होती है, सेम होती है। तो हम यहाँ पे लेते हैं कि उन तमाम पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी का सम है वो क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, एंड दैट इज इक्वल टू समेशन हाफ एन हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। और वी अल्फा को यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आर अल्फा डॉट, क्योंकि वी अल्फा बेसिकली क्या वेलोसिटी जो है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, आर अल्फा डॉट सम में उसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये रिलेशन 10.13 जो है ये टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू में प्रोवाइड कर रहा है। अब इसमें आर अल्फा की वैल्यू हमारे पास रिलेशन 10.4 में है, आर अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस आर अल्फा प्राइम। जब इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर अल्फा डेरिवेटिव आर अल्फा डॉट विल बी इक्वल टू कैपिटल आर डॉट। यानी अपने टाइम डेरिवेटिव तीनों टर्म्स का लेना है, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड की भी दोनों टर्म का, तो सब के ऊपर डॉट डॉट आ जाएगा जो कि टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आर अल्फा की वैल्यू जो है हम इसमें पुट करते हैं काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में, तो आर अल्फा डॉट्स उसका फिर स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये लास्ट लाइन इस स्लाइड की देखें कि आर अल्फा डॉट स्क्वायर जो है ये आर डॉट प्लस आर प्राइम डॉट अल्फा होल स्क्वायर, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास टर्म्स आ जाएंगे। अब हम ये देखते हैं इसको कि हमारे पास ये जो सिचुएशन है इसमें इस वैल्यू को हम पुट करते हैं रिलेशन नंबर 10.13 में। 10.13 में पुट करने से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास टी विल बी इक्वल टू हाफ एम अल्फा आर डॉट स्क्वायर प्लस वन, ये तीनों टर्म्स की हमने आर अल्फा डॉट की वैल्यू पुट की, आपके पास तीन टर्म्स आ जाएंगे। लास्ट टर्म में 1/2 या 2 से कैंसिल हो जाएगा। और लास्ट टर्म में ये जो डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट देखिए बेसिकली ये क्योंकि दोनों वेक्टर्स हैं, आर डॉट भी वेक्टर है और आर प्राइम डॉट भी वेक्टर है, इसलिए इनका ये प्रोडक्ट हो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा। अब इसमें जो है आपके पास ये समेशन वाली टर्म, ये समेशन एम अल्फा आर अल्फा प्राइम डॉट, ये लास्ट लेक्चर हमने किया था रिजोल्यूशन 10.7 में, वहाँ पे हमने किया था कि ये क्या हो जाती है, ये जीरो है। जब ये समेशन वाली टर्म जीरो होगी तो थर्ड टर्म हमारे पास कंप्लीट जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या रह जाएगी,
हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ समेशन एम अल्फा आर अल्फा डॉट स्क्वायर। अब इसमें देखिए जो फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म में कैलकुलेटिंग करिए का जो फर्स्ट पार्ट है हाफ कैपिटल एम आर डॉट स्क्वायर, ये कैपिटल एम कहाँ से आया है, ये समेशन एम अल्फा से। समेशन एम अल्फा क्या है कि तमाम जो पीसेज हैं रिजिड बॉडी उनका टोटल मास, उसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि समेशन सिर्फ एम अल्फा पे आर डॉट स्क्वायर पे नहीं है, क्योंकि आर डॉट स्क्वायर जो है वो अल्फा इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की दो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है, और वो क्या है हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ड्यू टू मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये लिखे हमने इसे डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा हुआ है, प्लस हाफ समेशन एम अल्फा आर अल्फा डॉट स्क्वायर, ये बेसिकली क्या है मास एम अल्फा की काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये रिलेटिव सेंटर ऑफ मास है, तो ये काइनेटिक एनर्जी फिर क्या होगी मोशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ रिलेशन 10.16 जो कि 10.15 का डिस्क्रिप्टिव वे है कि काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ मास रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, ये हमारे पास होगा। अब यहाँ पे देखें इसे थोड़ा सा मजीद हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसी चीज को, ये जो फर्स्ट टर्म है मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और ये मोशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास है, ये क्या होती है, देखिए कोई सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है, बॉडी के ऑलमोस्ट सेंटर पे एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, तो उसके अराउंड बॉडी की मोशन क्या होती है, वो रोटेशनल मोशन होती है, रोटेशनल मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये सेकेंड टर्म को हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, इससे हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये सेकंड टर्म रिलेशन नंबर 10.17 में दोबारा एक्सप्लेन किया। इस तरह बेटा ये अपने माइक बंद कर दें, जिनके माइक ऑन है सिर्फ वही माइक ऑन करें, अनम्यूट करें जिसे भी क्वेश्चन करना हो। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये बेसिकली आपकी जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, रोटेटिंग बॉडी है, रिजिड बॉडी, उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी इन दो टर्म्स पे बेस्ड है। ये हमारे पास है इसमें टोटल कि हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारे पास रिजिड बॉडी की। अब इसमें ये देखें कि ये रिलेशन 10.14 था हमारे पास, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की ये तीनों टर्म्स हमारे पास आ रही हैं जहाँ पे हमने आर डॉट आर अल्फा डॉट स्क्वायर की वैल्यू पुट की हुई है। फ्रॉम दिस वी कैन ड्राइव एन अल्टरनेटिव एंड समटाइम्स यूजफुल एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी, वो हमारे पास यूजफुल रिलेशन क्या है, वो सिंपली ये है कि हम ये करते हैं कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है, ये ओरिजन है, ओरिजन को हम सेंटर ऑफ मास पे ले जाते हैं, जो हमारा ओरिजन है ओरिजन को हम सेंटर ऑफ मास पे ले जाते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होगा जो आर की वैल्यू वो भी क्या होगी, जीरो होगी, यानी हम आर को रेस्ट पे ले लेते हैं। सपोज वी चूज आर टू बी अ पॉइंट ऑफ बॉडी दैट हैपेंस टू बी एड्रेस्ड, तो ये आर रेस्ट पे तभी होगा जब आर जो है सेंटर ऑफ मास पे लोकेट होगा, यानी उसकी फिर जो आर जो सेंटर ऑफ मास है वही ऐसा ओरिजिन बिहेव करेगा, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी, वो आर क्या होगा रेस्ट पे होगा, जब आर रेस्ट पे होगा तो आर डॉट वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। देखें आर डॉट क्या है, आर डॉट क्या है टाइम डेरिवेटिव ऑफ आर या टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जब वो पोजीशन रेस्ट पे है तो फिर क्या होगा ये जीरो हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म भी जीरो थर्ड टर्म भी जीरो, तो 10.14 की हमारे पास सिर्फ कौन सी बच जाएगी, ये सेकेंड टर्म बच जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी विल इक्वल टू हाफ समेशन में अल्फा आर अल्फा डॉट स्क्वायर। इसका मतलब होगा ये रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है टोटली किसकी वजह से है, वो रोटेशनल एनर्जी है, क्योंकि ये आर अल्फा आर आर अल्फा प्राइम जो है ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास से पोजीशन है, तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। कब है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जब हमारा ओरिजिन और सेंटर ऑफ मास क्या है ओवरलैप कर रहे हैं, जब आर की वैल्यू क्या है वो ऑलमोस्ट जीरो ले लें या रेस्ट पे ले लें, तब क्या होगा आर डॉट क्या होगा जीरो होगा, और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी वो सिंप्लीफाइड रिलेशन की इक्वल आ जाएगी, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, जस्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी रिलेटिव टू एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी दैट इज एट रेस्ट। ये हमारे पास
अब हम ये देखते हैं कि इस बॉडी के हमारे पास रिजिड बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रोटेटिंग रिजिड बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास कुछ इस तरह के ऑल फोर्सेस पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें आपको पता होगा हम क्या लेते हैं फोर्सेस क्या लेते हैं कंजर्वेटिव जब लेते हैं इफ ऑल फोर्सेस ऑन एंड विद इन एन पार्टिकल्स रिजिड बॉडी जो पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्सेज है या इंटरनल फोर्सेज है वो तमाम क्या है कंजर्वेटिव है अगर वो तमाम कंजर्वेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेज एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज ये यू एक्सटर्नल है पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल ये बेसिकली क्या है दिस इज द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जीज ड्यू टू एनी एक्सटर्नल फोर्सेज यानी जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं सब्जेक्ट पे उनको ये सी पोटेंशियल एनर्जी है उनकी रिलेटिव है उनका सम है और इसी तरह जो यू इंटरनल है बेसिकली ये इंटरनल क्या है तमाम जो एन पार्टिकल्स हैं रिजिड बॉडी की उनके आपस में इंटरनल इंट्रैक्शन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है ये वो है तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि यू इंटरनल बेसिकली दिस इज इक्वल टू समेशन यू अल्फा बीटा ये समेशन यू अल्फा बीटा क्या क्या हमारा था कि अल्फा पार्टिकल यू बीटा पार्टिकल पर फोर्स वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बेसिकली अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल फोर्स लगाएगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी तो उसी के अकॉर्डिंग या बीटा अल्फा पे लगाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी यहाँ पे लिखी गई है कि समेशन इज ओवर अल्फा लेस देन बीटा ये इसलिए लिखा गया ताकि कोई भी पार्टिकल दो दफा इंक्लूड ना हो ये ब्रैकेट में आर अल्फा बीटा लिखा गया ये बेसिकली सिर्फ ये बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी की जो डिपेंडेंस है वो अल्फा बीटा पार्टिकल्स की पोजीशन पर है ये आर अल्फा बीटा बेसिकली क्या है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स अल्फा एंड बीटा लेकिन हमें पता है कि इन अ रिजिड बॉडी ऑल द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर अल्फा बीटा आर फिक्स्ड हमें पता है क्या किसी भी रिजिड बॉडी में तमाम जो है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है फिक्स्ड होता है देयरफॉर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज कांस्टेंट एंड मे एज विल बी इग्नोर्ड क्योंकि इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी जब कांस्टेंट है तो बेसिकली अब चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जर्व कर होते हैं जब ये मेल करते हैं तो फिर चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी इसलिए हम इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर कर देते हैं इसका मतलब फिर क्या होगा कि किसी भी रोटेटिंग रिजिड बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है बेसिकली दैट इज ड्यू टू ओनली एक्सटर्नल फोर्सेज जो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्ट कर रही है सिर्फ उनकी वजह से है और फोर्सेज की जो करेस्पॉन्डेंस पोटेंशियल एनर्जी है वही टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट रिजिड बॉडी ये हमारे पास था रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कोई भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है अब हम थोड़ा सा रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के लिए कंडीशन फिक्स कर देते हैं तो रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस अगर रोटेशन किसी फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड है फॉर एग्जांपल ये आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में एक फिगर है ये फिगर देखें ये फिगर 10.22 इसमें देखें कि हमारे 10.2 ये फिगर नंबर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा ये सेकंड फिगर है सेपरेट की ये देखिए हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है वो शेप ये इसके सेंट्रल जो रोटेट कर रही है तो ये रोटेशनल एक्सिस है वो इसके सेंटर में से पास हो रहा है दैट इज अलॉन्ग जेड एक्सिस दैट इज अलॉन्ग जेड एक्सिस और हमें पता है कि एंगुलर वेलोसिटी उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है इसकी प्लेन पर परपेंडिकुलर होती है वो भी अलॉन्ग क्या होगी जेड एक्सिस होगी ये फिगर आपने ज़हन में रखनी है तो रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इन दिस सेक्शन वी शैल स्टार्ट द विद अ स्पेशल केस ऑफ अ बॉडी दैट इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस और फिक्स्ड एक्सिस क्या है सच दैट एज अ पीस ऑफ वुड इज शोन इन फिगर 10.2 जो भी हमने डिस्कस किया व्हिच इज स्पिनिंग ऑन अ फिक्स्ड रॉड एंड फर्स्ट कैलकुलेट इट्स एंगुलर मोमेंटम अब देखिए सबसे पहले जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस है सबसे पहले इसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं इस तरह हमने पिछले प्रॉब्लम के लिए किया था बिकॉज एक्सिस ऑफ रोटेशन इज फिक्स्ड और हम वो कह देते हैं कि अलॉन्ग जेड एक्सिस है विद द ओरिजिन समवेयर ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन ओरिजिन यानी इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर कहीं पर नहीं करेगा और बॉडी जो है हमारे पास क्या है एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बॉडी जो है वो बनी हुई है तो इसमें जो मैस है तमाम पार्टिकल्स का क्या वो सेम है एम अल्फा फॉर एग्जाम्पल तो फिर हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का क्या होगा दैट विल बी सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स वेयर ऑल पार्टिकल्स जिससे हम उस एक अल्फा पार्टिकल को हम एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एल अल्फा से वेयर अल्फा इज 1 to n सो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इन तमाम के एंगुलर मोमेंटम का सम होगा और हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आर क्रॉस पी होता है आर क्रॉस पी तो आर अल्फा क्रॉस पी पी अल्फा आर क्रॉस पी अल्फा क्या होगा एम अल्फा वी अल्फा तो ये रिलेशन पेपर टू वन हमारे पास आ जाएगा अब इसमें जो वी अल्फा है बेसिकली ये क्या है वी अल्फा वेयर वी अल्फा जो वेलोसिटीज हैं ये अल्फा पार्टिकल्स जो अल्फा 1 to n है आर द वेलोसिटीज विद विच द पीस ऑफ द बॉडी आर बीइंग क्रिएटेड सर्कल
ये बेसिकली अल्फा क्या है, वी अल्फा वो टेंजेंटल वेलोसिटी है इस वजह से हमारा ऑब्जेक्ट क्या है एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, और उसकी जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो क्या है ओमेगा, दैट इज योर ओमेगा जो है वो हमारे पास क्या होगा ओमेगा इसकी प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। ओमेगा बेसिकली परपेंडिकुलर कैसे होगा, क्योंकि ओमेगा देखिए हमारे पास रिलेशन हमने 9th चैप्टर में किया था वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस अल्फा। बेसिकली यहाँ पे आपके पास ओमेगा के बारे में नहीं बताया गया, यहाँ पे जो वी है वो ओमेगा और आर इनकी प्लेन पर परपेंडिकुलर है, वी टेंजेंटल वेलोसिटी ओमेगा और आर पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये होगा ओमेगा वी और आर वी अल्फा ओमेगा और आर अल्फा ये तीनों एक दूसरे पर क्या होंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। और देखिए आर और वी अल्फा आपके एक्स और वाई प्लेन में है, फिगर में आपने देखा है आर इसका जो रेडियस है और ये टेंजेंटल वेलोसिटी ये एक्स और वाई प्लेन में आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये श्योर है कि ओमेगा क्या होगा अराउंड जेड एक्सिस, क्योंकि उसमें दोनों पर परपेंडिकुलर होना है आर और वी अल्फा पर, सो जेड अलॉन्ग जेड एक्सिस अलॉन्ग ओमेगा, और फिर ओमेगा की कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे जीरो जीरो ओमेगा, क्योंकि ओमेगा के जो कंपोनेंट्स अलॉन्ग जेड एक्सिस जीरो अलॉन्ग वाई एक्सिस जीरो अलॉन्ग जेड एक्सिस क्या वो ओमेगा है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया किसका ये हमारे पास क्यों रोटेशन मोशन की कंडीशन है, और आर अल्फा जो पोजिशन है आपके पास किसी भी अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल यहाँ फिगर में शो नहीं हुआ इस पूरी आपकी रिजिड बॉडीज पर कहीं भी अल्फा पार्टिकल है उसका जो आर है रेडियस है पोजिशन वेक्टर है फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन इस पूरे जेड एक्सिस के ऊपर कहीं पर मौजूद है, ये ना करें कि सरफेस के ऊपर है या इस होल के ऊपर, नहीं जेड एक्सिस पर कहीं पर मौजूद है ओरिजिन, और उस ओरिजिन से आपके पास आर पोजिशन आर पोजिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल आर अल्फा गिवन है, एंड उसके कंपोनेंट्स क्या है एक्स अल्फा वाई अल्फा जी अल्फा, ये उसके कंपोनेंट्स है हमारे पास किसी भी अल्फा पार्टिकल के पोजिशन वेक्टर के फ्रॉम ओरिजिन, सो वी अल्फा विल बी व्हिच इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर अल्फा, आप इनकी वैल्यू पुट करें ओमेगा की वैल्यू पुट करें जीरो जीरो ओमेगा और आर अल्फा की वैल्यू पुट करें एक्स अल्फा वाई अल्फा जेड अल्फा इनका क्रॉस प्रोडक्ट लें, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो वी अल्फा के आपके पास ये तीन कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ये एक्स कंपोनेंट है ये वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट यहाँ क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। अब ये वी अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल एल अल्फा में, सो एल अल्फा विल बी इक्वल टू एम अल्फा आर अल्फा क्रॉस वी अल्फा, तो ये एम अल्फा क्योंकि सेकुलर है बेसिकली ये सेकंड टर्म के साथ था ना, अगर आप रिलेशन में देखें ये रिलेशन में देखें ये एम अल्फा वी अल्फा के साथ है, लेकिन एम अल्फा क्योंकि सेकुलर है हम स्टार्ट में ला सकते हैं इसीलिए स्टार्ट में यहाँ पे लिख दिया गया एम अल्फा को। अब आर अल्फा और क्रॉस वी अल्फा इनके आप क्रॉस प्रोडक्ट में आर अल्फा की वैल्यू आप इसी स्लाइड के ऊपर टॉप पे पहली लाइन में आर अल्फा की वैल्यू और वी अल्फा की आपने ये थर्ड लाइन में वैल्यू फाइंड की हुई है, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस जेड अल्फा एक्स अल्फा ये फर्स्ट कंपोनेंट है सेकंड कंपोनेंट माइनस जेड अल्फा वाई अल्फा और थर्ड कंपोनेंट ये जेड कंपोनेंट है वो क्या है एक्स अल्फा स्क्वायर पर प्लस वाई अल्फा स्क्वायर, ये आर अल्फा और वी अल्फा की वैल्यू आपने पुट करके इस डिटर्मिनेंट को आपने ओपन करना है तब ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास आ गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसके तीन कंपोनेंट्स एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट, सर एक दफा ये रिपीट कर देंगे जो कुछ आपको पढ़ा रही है ना इस लेक्चर में फाइनली।
दो उतार लेंगे अलग अलग कर, दरम्यान में जो अलग कर अच्छा अब बेटा इसमें ये है कि हमारे पास सॉरी ये दरम्यान में डॉक्टर सोनराव साहब कॉल आ गए इसमें अब ये देखिए कि आपके पास जो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसके तीन कंपोनेंट्स आ गए इनमें से हम एक कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं जेड कंपोनेंट्स को ये एल अल्फा अल्फा पार्टिकल का जेड कंपोनेंट आपके पास मौजूद है 10.22 में एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस वाई अल्फा स्क्वायर तो एल जेड हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी और उसका जेड कंपोनेंट दैट विल बी इक्वल टू समेशन एम अल्फा ओमेगा इनटू एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस वाई अल्फा स्क्वायर ये 10.23 रिलेशन आ जाएगी क्लियर हो गया अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये किसकी इक्वल होता है रॉ के ऊपर रॉ बेसिकली क्या आपके पास ये आपके पास जो डिस्टेंस है फ्रॉम जेड एक्सिस डिस्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम जेड एक्सिस उसे हम रॉ से रिप्रेजेंट करें और वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या आप एक बात याद रखें यहाँ फिगर में बाई चांस बना हुआ नहीं है अल्फा पार्टिकल के यहाँ बस दो एक पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम ओरिजिन ओरिजिन इस जेड एक्सिस के ऊपर कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है वो है आर अल्फा और दूसरा ये रो है कि एक्स वाई प्लेन में आप इसका पॉइंट ले रहे हैं जेड एक्सिस जो इसका डिस्टेंस है वो क्या आपके पास वो रो है और ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ये आप 10.23 में आप पुट करेंगे तो आपके पास टोटल एंगुलर जेड कंपोनेंट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम विल इक्वल टू समेशन एम अल्फा रो स्क्वायर ओमेगा ये आपके पास रिलेशन आएगा 10.24 एल जेड विल इक्वल टू समेशन एम अल्फा रो अल्फा स्क्वायर ओमेगा यहां पे ये आपके पास ओमेगा के अलावा बाकी सारी जो टर्म है समेशन समेशन एम अल्फा रो अल्फा स्क्वायर इसको हम अगर आई पुट कर दें सब्स्टिट्यूट कर दें आई जेड तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा एल जेड विल इक्वल टू आई जेड ओमेगा वेयर आई जेड इज इक्वल टू क्या है किसको हमने सब्स्टिट्यूट किया समेशन एम अल्फा रो अल्फा स्क्वायर को और ये क्या है बेसिकली आप इसे हमने लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इसका फिर मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये टोटल एंगुलर मोमेंटम जेड कंपोनेंट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ये किसकी इक्वल है आई जेड ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय ओमेगा ओमेगा क्या एंगुलर वेलोसिटी तो ये डिस्क्रिप्टिव वे में या स्लाइड के दरमियान में लिखा हुआ है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास ये एल जेड या 10.24 में एल जेड जो लेफ्ट साइड पे ये बेसिकली क्या चीज है एंगुलर मोमेंटम जो कि जेड कंपोनेंट ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम है और राइट साइड पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी बेसिकली किसके लिए जेड कंपोनेंट के लिए जेड एक्सिस के लिए यानी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई जेड सो दैट फॉर रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस इसका मतलब हमारी रिजिड बॉडी की जो रोटेशन है वो क्या हो रही है अबाउट जेड एक्सिस हो रही है अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जैसे हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं इस लेक्चर के स्टार्ट में काइनेटिक एनर्जी विल इक्वल टू हाफ समेशन एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं वी अल्फा हमारे पास क्या होगा वी अल्फा होता है ना आर ओमेगा और यहाँ पे रेडियस क्या है जेड एक्सिस से वो क्या है रो अल्फा तो वी अल्फा इज इक्वल टू रो अल्फा ओमेगा तो ये वी अल्फा की हम वैल्यू पुट करते हैं रो अल्फा ओमेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ समेशन एम अल्फा रो अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ये फर्स्ट टर्म जब पहले भी डिस्कस करते हैं ये क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड तो फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सब्जेक्ट है ये तो सिर्फ हम ले रहे हैं किसके लिए टोटल एंगुलर मोमेंटम के जेड कंपोनेंट के लिए इसी तरह आप वहां से आप रिलेशन नंबर 10.22 में हमारे पास लाए बाकी कंपोनेंट आपके पास ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट है और फिर ये क्या वाई कंपोनेंट ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम ये एम अल्फा ओमेगा दोनों के साथ आ जाएगा इसी तरह हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा एल एक्स विल बी इक्वल टू माइनस समेशन एम अल्फा एक्स अल्फा जेड अल्फा ओमेगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा एल जेड विल बी इक्वल टू माइनस समेशन एम अल्फा वाई अल्फा जेड अल्फा ओमेगा ये 10.27 अब यहाँ पे देखना कि ये तीनों कंपोनेंट ये हमारे पास नॉन जीरो है यानी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट तीनों जो है नॉन जीरो है एंगुलर मोमेंटम इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यूज है वो क्या होंगी किसी एक एक्सिस के अलांग नहीं है वो तीनों के अलांग एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि अगर एक ही एक्सिस के अलांग होता तो फिर इसके बाकी कंपोनेंट क्या होते जीरो होते
इसका मतलब है कि जो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास क्या है, अलॉन्ग जेड एक्सिस है, एंगुलर वेलोसिटी अलॉन्ग जेड एक्सिस है, जो आपने फिगर में देखा ओमेगा अलॉन्ग जेड एक्सिस है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, उसकी जो पोजीशन है, लोकेशन है, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नहीं है, इन बिटवीन कहीं पर एक्सिस कर रहे हैं, जो कि रोटेशनल बिहेवियर की वजह से है। वही हम यहाँ प्रोसेस कर रहे हैं, इसे थोड़ा सा ये फिगर 10.3 अब आपके सामने, टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कंक्लूजन, कंसीडर रिजिड बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, सिंगल मास m, ये फिगर 10.3 में देखिए हमारे पास कोई सिंगल मास m आपके पास मौजूद है, यहाँ पे बॉल लाइक बॉल की शेप का, एज दिस बॉडी रोटेट्स अबाउट z एक्सिस, ये जो ही z एक्सिस के अराउंड रोटेट करिए, z एक्सिस आपके ऊपर, यहाँ z एक्सिस और रेगुलर वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे गिवन है, ये m मास इसके गिर्द एक सर्कल में जब रोटेट कर रहा है, देन जो इसकी वेलोसिटी है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो क्या है, इनटू द पेज होगी, ऐसी है ना, देखना जब रोटेट करेगा काउंटर क्लॉक वाइज, तो ये इनटू द पेज रोटेट करेगा, और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या बनती है, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, अगर पॉजिटिव एक्सिस होता है ये हमारी तरफ से रोटेट करता है क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द पेज होगी, तो फिर हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा, एल इक्वल टू आर क्रॉस एम वी इन द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ये इमेज यहां पे दिखाई गई है, एट एन एंगल 90 माइनस अल्फा विद जेड एक्सिस, 90 माइनस अल्फा विद जेड एक्सिस, ये हम इसकी जो डायरेक्शन है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, ये देखिए फिगर में आपके पास, अगर आप फिगर आपको नजर आ रही है, ये देखिए ये एंगुलर मोमेंटम जो है बेसिकली इस अल्फा के साथ, इस मास के साथ क्या है, मास की पोजीशन आर पर क्या परपेंडिकुलर, देखिए ना, आर एल इज इक्वल टू आर क्रॉस एम, आर क्रॉस एम वी, इसका मतलब एल क्या है, आर और वी की प्लेन पर परपेंडिकुलर है, यानी एल जो है आर पर भी परपेंडिकुलर है, वी पर भी परपेंडिकुलर है, एल जो है आर पर परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि ये जो पोजीशन वेक्टर है ओ से मास एम की तरफ आर, इस पर एल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जब परपेंडिकुलर होगा तो मास की पोजीशन वेक्टर का जेड से एंगल अल्फा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो फिर बाकी जेड से जो एंगुलर मोमेंटम की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बचेगी, एंगुलर मोमेंटम को क्या बचेगी, 90 माइनस अल्फा बच जाएगी, क्योंकि टोटल इस आर तक 90 है, उसमें से अल्फा माइनस कर लें, बाकी क्या बचेगा, 90 माइनस अल्फा विद जेड एक्सिस, इसका मतलब ये होगा कि एल वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, एल वाई भी जीरो नहीं होगा, उसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रही है, बेशक हमारी बॉडी जो है जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, तो हमारे पास एल वाई और एक्स, एल एक्स दोनों जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, दोनों कंपोनेंट्स, ये एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे देखें, ये हमें मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है, दैट इट इज क्लियर फ्रॉम द पिक्चर दैट एज द बॉडी रोटेट्स अबाउट जेड एक्सिस, क्यों भी रोटेट कर रही है, देखें रोटेशन से क्या होगा, ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये भी साथ साथ चेंज होता जाएगा, यानी ये भी जेड के अराउंड मूव करेगा, जब आपका यह हमारा मैस z के अराउंड रोटेट करेगा तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जो है ये भी z के अराउंड क्या वो रोटेट करेगा, इसका मतलब ये है कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम वो जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो होगी, क्योंकि ये चेंज हो रही है इसकी डायरेक्शन, ईच इंस्टेंस इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो फिर क्या होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी l डॉट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, जब ये जीरो है तो इसका मतलब टॉर्क क्या वो नॉन जीरो है, एंड डॉट दैट टॉर्क इज इक्वल टू, ये आपने डायरेक्शन पढ़ा हुआ है ना कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इज इक्वल टू टॉर्क होता है, जब ये नॉन जीरो है इसका मतलब टॉर्क नॉन जीरो होगा, और वही टॉर्क जो है इस मास को रोटेट कर रहा है, रोटेट करने का रिस्पॉन्सिबल है वो जेड एक्सिस, द रिक्वायर्ड टॉर्क इज इन द डायरेक्शन ऑफ एल डॉट, तो एल डॉट इज इक्वल टू ना टाउ, तो टॉर्क और एल डॉट आपस में क्या है, एक सेम डायरेक्शन में है, और वो क्या होगा हमारे पास, हमारी तरफ होगा आउटवर्ड अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस से होगा, परपेंडिकुलर पेज होगा आउटवर्ड द पेज, ये हमारे पास इस तरह, ये किसी भी मास की हमारे पास रोटेशनल मोशन है, और इसके एंगुलर मोमेंटम के तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखिए इस फ्रेम में जो भी हमने डिस्कस किया फिगर में, द मास एम एक्सपीरियंसेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि मास ये सेंटर के अराउंड मूव कर रहे हैं अराउंड जेड एक्सिस, तो लाजिम है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की इफेक्ट की वजह से हो रहा है फ्रॉम द जेड एक्सिस, देयरफॉर अ काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द रॉड, अब हमें काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क चाहिए जो रॉड को होल्ड किए रखता है इस रोटेशनल मोशन के लिए, और उसे वहाँ से जो उसका जो ओरिजिनल पॉइंट के साथ कनेक्शन है उसे वहाँ से हटने नहीं देता,
So when a body such as the wheel of car coasting along the highway is rotating about a fixed direction, so हमें क्या होगा? We usually not want to have without any dark on it. क्योंकि इस वजह से क्या होगा? क्योंकि इसमें ये होगा कि so that angular momentum is parallel to its angular velocity. बहुत जनरली हम कह सकते हैं कि whether or not L और omega हमारे पास दोनों जो हैं are parallel in an important issue through the study of rotating objects. And this concept leads to principal axis. ये principal axis यहाँ पे हम रोक रहे हैं. ये next topic में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि principal axis क्या होता है. यहाँ पे हम वाइंड अप कर रहे हैं. यहाँ तक जब हमने अभी तक स्टडी किया है, इसमें हमारे पास एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी आपस में एक ही डायरेक्शन में नहीं होते. एंगुलर वेलोसिटी अलग जेड एक्सिस है, तो एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. यहाँ तक आपने जो आज तक हमने स्टडी किया रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की, हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड की है, किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की है, फिर हमने किसी रोटेशनल ऑब्जेक्ट को डिस्कस किया है जिसका जो रोटेशनल एक्सिस है वो अलॉन्ग स्पेसिफिक डायरेक्शन है, अलॉन्ग जेड एक्सिस हमने लिया है. यहाँ पे ये आपने टॉपिक रिवाइज कर लेना है. इसके साथ ही आपने सेकेंड असाइनमेंट करनी है. ये असाइनमेंट आपके पास है. असाइनमेंट टू इसी चैप्टर के जो हमारे पास एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है, आपके पास जो हमने टॉपिक हमने अब तक स्टडी किए हैं उन्हीं से रिलेटेड है. ये प्रॉब्लम नंबर 3, 6, 7, 8, 9 और 10. ये छह प्रॉब्लम ऐसे फिर से आपने असाइनमेंट कर लेनी है और आपने ये मंडे तक सबमिट कर देनी है. और इसके अलावा मंडे को आपका क्विज भी होगा. आपका मंडे